नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। फर्जीवाड़े तो कई तरह के आपने सुने होंगे, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अलग अलग तरह के फर्जीवाड़े की जो खबरें होती है वो आए दिन देखने को मिलती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, किसी भी परीक्षा को लेकर हो, बीपीएससी हो, अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का खेल खेला जाता है। और ऐसे में एक और फर्जीवाड़े से पर्दा उठा है। बता दें कि इस बार बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और सबसे चौंकने वाली जो बात है वो ये है कि जिन कैंडिडेट को 3 महीने पहले अनफिट बताया जाता है, उन्हीं अभ्यर्थियों को फिट बताते हुए उन्हें जगह दे दी जाती है और इसके बाद कार्रवाई भी की गई है। क्या है ये पूरा माजरा, आखिर किस तरह से अनफिट अभ्यर्थियों को फिट कर दिया गया और ये सिपाही भर्ती में किस तरह से फर्जीवाड़े का खेल खेला गया है, इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं। बता दें कि बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में फिटनेस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल एक बार जिन अभ्यर्थियों को अनफिट घोषित कर दिया गया, उन्हें ही केवल 3 महीने बाद फिर से फिट घोषित कर दिया गया। अनफिट और फिट के खेल के कारणों की जांच में चौंकने वाला खुलासा सामने आया है। केंद्रीय चयन परिषद ने खुलासा होने के बाद मेडिकल जांच पर सवाल खड़ा करते हुए उच्च स्तरीय फिटनेस जांच का आदेश जारी किया है। उच्च स्तरीय जांच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक की अध्यक्षता में बोर्ड बनाकर कराई जानी है। दरअसल केंद्रीय चयन परिषद द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा 2019 में चलन दस्ता के पद पर चयनित सिपाही अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच असैनिक शल्य चिकित्सक व मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा 15 जून 2021 और 26 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 के बीच पटना में कराई गई थी। बोर्ड की जांच में 42 अभ्यर्थियों को अनफिट घोषित किया गया था, लेकिन 42 में से 35 ने बोर्ड को चैलेंज कर दिया। जांच में असंतोष जाहिर करते हुए अपने फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ इन अभ्यर्थियों ने खुद के पूरी तरह से फिट होने का दावा किया। इसके बाद भी विभाग द्वारा 5 दिसंबर 2021 को सिविल सर्जन पटना को इन सभी 35 अभ्यर्थियों का फिर से मेडिकल जांच कराने को कहा गया। 30 दिन बाद ही दोबारा जांच हुई। मेडिकल जांच में असैनिक चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा इन 35 अभ्यर्थियों में से 32 को फिर घोषित कर दिया गया। कुल 35 अभ्यर्थियों में मात्र एक को अनफिट करार दिया गया, जबकि 2 एब्सेंट रहे। तो ये बड़ा जो फर्जीवाड़े का खेल है वो बिहार से सामने आया है, जहां पर 30 दिन पहले जो अभ्यर्थी अनफिट थे वो 30 दिन बाद अचानक से ही फिट हो जाते हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर जो अभ्यर्थी अनफिट थे वो दोबारा से फिट कैसे हो गए और आखिर क्यों बिहार में इस तरह से फर्जीवाड़ा का खेल खेला जा रहा है। तो कई तरह के फर्जीवाड़े के खेल सामने आते हैं, कई तरह के खुलासे भी सामने आते हैं, लेकिन सबके बीच जो अलग तरह की कहानी है वो बिहार से ही देखने को मिलती है। कभी बीपीएससी के परीक्षा में फर्जीवाड़ा होता है तो कभी सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़े का खेल खेला जाता है, जहां पे अनफिट रहे अभ्यर्थियों को अचानक से ही 30 दिन के बाद फिट करार दे दिया गया, जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जल्द किए जाएंगे। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।